सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे और छोटा सा सॉरी अगर कोई भी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही हो उसके लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्मी लाइफ से रिलेटेड जो बुक्स है उनके बारे में। ये कह सकते हो आप, ये रिपब्लिक डे स्पेशल वीडियो है, रिपब्लिक डे बुक रिकमेंडेशन वीडियो है, कुछ भी कह सकते हो। बट सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि क्यों आपको आर्मी लाइफ से रिलेटेड बुक्स पढ़नी चाहिए। तो देखो, आप किसी भी करियर में जाना चाहते हो, ये मेरे अपने थॉट्स हैं, आप किसी भी करियर में जाना चाहते हो तो आपको डिसिप्लिन चाहिए, आपको करेज चाहिए, आपको लीडरशिप स्किल्स चाहिए कि एकदम एक्सट्रीम सिचुएशंस अगर आ जाएं तो भी घबराओ नहीं, शांत रहो और अपना काम करते रहो। तो आई थिंक ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन, अगर मैं सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में आर्मी आती है, सबसे पहले आता है आर्मी, क्योंकि वो लोग इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, दे आर रियल लाइफ हीरोज़, ठीक है ना। तो इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में वो लोग रहते हैं, सबसे पहले तो वो आता है। और फिर स्पोर्ट्स पर्सन भी आ सकते हैं क्योंकि वो लोग इतने लोगों के सामने खेल रहे हैं। बट आज रिपब्लिक डे है तो आज हम बात करेंगे आर्मी से रिलेटेड, क्योंकि वो लोग एक्चुअल में इतने पहाड़ों में रहते हैं, इतनी ठंड में, कभी कभी इतनी गर्मी में, आपने देखा भी होगा आजकल, क्योंकि वीडियोज़ भी बहुत आ रही है इंटरनेट पर, टीवी शोज में भी बहुत दिखाया जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें उनसे ये डिसिप्लिन, ये करेज, लीडरशिप और स्पेशली नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये उन सबसे हम सीख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो मैंने कुछ रैंडम बुक्स निकाली हैं। अब ये मेरे दिमाग में कहाँ से आया थॉट, मैं आज सुबह ऐसे ही बैठा हुआ था तो मैं जब स्क्रॉल कर रहा था अपने फ़ोन पे तो मैंने सर्च करा, मैंने कहा क्या कुछ ऐसी बुक्स हैं भी, तो मैंने देखा कि एक्चुअल में इतनी सारी बुक्स हैं और आज तक मुझे पता नहीं था। तो अगर आप भी मेरी तरह हो कि आपको आर्मी से रिलेटेड बुक्स चाहिए, आपको उनकी लाइफ के बारे में जानना, क्योंकि आप वहाँ बॉर्डर पर नहीं जा सकते, ठीक है, फिर आप जाना चाहते हो क्योंकि आप एस्पायरिंग एक मिलिट्री ऑफिसर हो, तो आप इन बुक्स को पढ़ो ताकि आपको समझ में आए कि वो लोग कैसे सोचते हैं, वो लोग करते क्या हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने रैंडमली ऐसा बुक सेलेक्ट कर लिया, सबके नाम मैं एकदम से याद नहीं कर पाया, बट मैं आपको सारी बुक्स के यहाँ पे साइड में फ़ोटो भी लगा दूंगा ताकि आप आराम से देख पाओ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बुक के साथ जिसका नाम है इंडियाज़ ब्रेव हार्ट्स। अब ये इंडियाज़ ब्रेव हार्ट्स बुक सबसे पहली इसलिए है क्योंकि इसको लिखा है मिस्टर सतीश दुआ सर ने। सतीश दुआ सर कौन है? सतीश दुआ सर लेफ्टिनेंट, सही बोला, लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं आर्मी से, वो रिटायर्ड हो चुके हैं, और उन्होंने जो सोल्जर्स की अनएक्सपेक्टेड स्टोरीज़ हैं उसके बारे में बात करी है कि जब वॉर हो रहे थे और उन्होंने बहुत सारे रोल्स भी प्ले करे, ऐसे चीफ सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और सर्जिकल स्ट्राइक में उनका रोल था, तो वो बताते हैं कि जो एक्चुअल में वॉर होता है उस समय वहाँ पे क्या सिचुएशंस रहती है, क्या सिनेरियो रहता है। तो देखो, एक तो होता है कि जब आप टीवी में देखते हो वो ठीक है, हम एक स्क्रीन से देख रहे हैं, हमारे अपने व्यूज़ हैं, बट एक पर्सन जो ऑलरेडी उधर है वो अगर कुछ चीज़ बता रहा है तो उसमें अलग ही लेवल का कह सकते हो सीखने को मिलता है, थ्रिल मिलता है, समझ में आता है कि एक्चुअल में क्या होता है। तो आई थिंक ये मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगी। दूसरी रहेगी द ब्रेव। द ब्रेव बुक जो है ये 21 ऐसे सोल्जर्स के बारे में है जिनकी लाइफ चली गई हमारे कंट्री को सर्व करने के लिए, हमारे जो शहीद हो गए वो लोग ऑन ड्यूटी। तो मिसेस रचना बिष्ट, आई थिंक BIHHT, आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया हूँ, वो उनकी फैमिली से मिलती है, उनकी सिबलिंग से मिलती हैं, उनके ये कह सकते हो जो उनके साथ में कलीग्स थे, जो उनके साथ के आर्मी ऑफिसर्स थे, मिलिट्री ऑफिसर्स थे, उन सब से मिलती है और उनके पोर्ट्रेट पर इनकी पूरी पिक्चर दबा जाती हैं कि देखो इनकी पूरी लाइफ ऐसे रही है। वो 21 लोग जो शहीद हुए उनकी बारे में स्टोरीज़ हैं, तो बहुत ही इमोशनल भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ सकता है पढ़ने में कि उन्होंने कितने चैलेंजेस का सामना करा और एंड में कह सकते हो वीरगति को प्राप्त हो गए। और जो तीसरी बुक है वो आप सबने नाम सुना होगा कारगिल। अब कारगिल बुक का नहीं, कारगिल वॉर्स का आपने बहुत नाम सुना होगा। कारगिल में 527 से ज़्यादा लोग एट प्रेजेंट तक शहीद हो चुके हैं। तो ये भी रचना में उन्होंने ये बुक लिखी है, दोनों द ब्रेव और कारगिल। इसमें वो वहाँ पे जाती हैं जो वहाँ पे वॉर हो चुके हैं, कारगिल में बहुत सारे वॉर हुए हैं कारगिल के पहाड़ों में, वहाँ पे जो वॉर सर्वाइवर्स हैं, जो वहाँ पे वॉर से बच गए हैं, जो वहाँ पे फैमिलीज रहती है, उनकी पूरी कह सकते हो डॉक्यूमेंट्री है जो एक बुक के फॉर्म में आपको मिलने वाली है, जो वहाँ पे सोल्जर्स शहीद हो गए उनके बारे में बात करती हैं। तो बहुत अच्छी बुक है कारगिल। पहली बुक इंडियन ब्रेव हार्ट्स हो गई, दूसरी हो गई द ब्रेव, तीसरी हो गई कारगिल। अब जो चौथी बुक है वो है इंडियाज मोस्ट फियरलेस। अब ये दो पार्ट्स में आती है, जैसे हैरी पॉटर आती है, हैरी पॉटर के 5-6 पार्ट्स हैं, वैसे इसके दो पार्ट्स हैं, इंडियाज मोस्ट फियरलेस 1 एंड इंडियाज मोस्ट फियरलेस 2। इसमें सर्जिकल स्ट्राइक, इंडो पाकिस्तान वॉर जो 1965 के अप्रॉक्स हुए थे, शायद मेरे को एग्जैक्ट ईयर नहीं ध्यान है, मैं पहले बता देता हूँ, सब रिसर्च के बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, तो उन सब की स्टोरीज़ हैं। और जो हमारी अगली बुक है ये बहुत मज़ेदार है, इसका नाम है शूट डाइव फ्लाई। शूट डाइव फ्लाई, जैसे कि आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है हमें पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल होती है, लेकिन उसमें एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी होते हैं, शूट
डाइविंग करना और फ्लाई वगैरह जो होता है, मतलब उसमें जितनी मैंने सुना है कि IPS की ट्रेनिंग से बंजी जंपिंग वगैरह भी होती है, तो ये जितनी भी एडवेंचरस और थ्रिलिंग पार्ट है आपकी आर्मी की जर्नी का, ये उसको एक्सप्लोर करता है कि वो लोग कितने एक्सट्रीम कंडीशन में भी खुश कैसे रहते हैं, उनका एडवेंचर क्या होता है, ये सब। तो ये भी बड़ी अच्छी बुक है, शूट डाइव फ्लाई स्टोरीज ऑफ एडवेंचर्स फ्रॉम इंडियन आर्मी बाई रचना मैम। उन्होंने रचना मैम ने बहुत सारी बुक लिखी हैं, रचना बिष्ट रावत। आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे RACHNABISHTRAVWAT, मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा उनका, ठीक है। और लास्ट बुक जो है जिसके बारे में बात करेंगे वो है लेट मी से इट नाउ बाई राकेश मारिया। राकेश मारिया सर एक IPS रह चुके हैं, एक कमिश्नर रह चुके हैं, उनके बारे में है कि उनकी मतलब कह सकते हो वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, जो कह सकते हो आप। जैसे अशोक खेमका सर के बारे में मैंने सुना है वो बहुत ऑनेस्ट IAS रह चुके हैं, तो उनसे रिलेटेड कि अगर आप पुलिस में जाना चाहते हो, ठीक है, आप मिलिट्री में या पुलिस में जाना चाहते हो, तो आप राकेश सर के बारे में पढ़ सकते हो। बुक का नाम है लेट मी से इट नाउ। इसमें वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने कुछ केसेस सॉल्व करे, उसके बाद उनको कुछ पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से उनको तबादला कर दिया गया, ताकि वो यहाँ पे जो गलत काम हो रहा है उनको एक्सपोज ना कर पाएं। और इस बुक में वो अपनी साइड ऑफ द स्टोरी कहते हैं, तो बहुत अच्छी बुक्स थी। तो ये कुछ 6-7 बुक्स हैं, इंडियाज ब्रेव हार्ट्स हो गई, और आपकी द ब्रेव हो गई, कारगिल वॉर्स हो गई, बड़ा मज़ा आता है इनके बारे में बात करके, और स्पेशली वो वाली तो बड़ी अच्छी लगती है, शूट डाइव एंड फ्लाई एडवेंचरस जर्नी ऑफ एन आर्मी मैन। सो ये कुछ बुक्स थी जो मैंने रिसेंटली सर्च करी और मैंने आपको बता दी। अगर आपको, आप बताओ कि आप कौन सी बुक्स इसमें से पढ़ना चाहते हो, ठीक है। सो ये थी छोटी सी वीडियो ऑन रिपब्लिक डे रिकमेंडेशन या रिपब्लिक डे स्पेशल, कुछ भी कह सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हुई वीडियो, कुछ वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। यहाँ पे आपको बुक्स से रिलेटेड कंटेंट, इंस्पिरेशनल कंटेंट मिलता रहता है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।